नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि हम क्लास ट्वेल्थ के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं और दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। और आप जानते हैं इस समय हमारे साथ में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चला हुआ है और केमिकल काइनेटिक्स में ये क्लास नंबर 3 है हमारे पास में। बहुत सारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, काफी दोस्त हमारे। जी काफी सारे हमारे दोस्त, मिस्टर एच के, अंशिका पांडे, अक्षर सिंगल, दिशा बघेल, हिमांशु सिंह, आयुष शर्मा, सार्थक मिश्रा, कनुप्रिया अरोरा, खुशबू कुमारी, अंकित गुप्ता, अरशद सिद्दीकी, हरदीप सिंह, श्रेया गर्ग और दिव्या अग्रवाल, अनीता गोसाई, अविराज सिंह, आर्यन गुप्ता, आरसी अली, यासिका सक्सेना, ईस मदान, तनिष गोयल, मिस्टर एक्समैन, अंकित गुप्ता, खुशी अग्रवाल, श्वेता अस्थाना, अंकित गुप्ता, सुमित प्रजापति, श्रद्धा दत्त, पार्थ शर्मा, श्रुति शर्मा, देवांशी गुप्ता और ईशान गोयल, सुभिका, मुस्कान गुप्ता, सृष्टि गोला, वासु गर्ग, लोकेश सेठ, सुमित कुमार, लक्ष्य शर्मा, आर्षित तेवतिया, प्रदीप कौशिक, हिमांशु पांचाल, वंश शर्मा, यश पोखरियाल, आदित्य चौधरी, सबका स्वागत। अंश गोयल आपका स्वागत, वासु गर्ग आपका स्वागत, हिमांशु पंचाल आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, मस्ती से पढ़िए, ईश्वर तुम्हें खूब कामयाब करे उसमें। सबके साथ में गुड आफ्टरनून। जी साहब नमस्कार, अक्षर सिंगल साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस ये जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं इसको आप पसंद कर रहे होंगे और आपके लाइक्स मुझे दिखाई दे जाते हैं जो बताते हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। आपकी और भी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा दूर हो गया है, जब जहाँ तक उसकी बात है CBSE बोर्ड के हिसाब की बात है, तो कोशिश रहेगी कि कुछ ना कोई प्रोग्राम आपके साथ में उस समय तक लाते रहेंगे, कुछ पेपर्स के साथ में, कुछ टिप्स के साथ में, कुछ ना कोई प्रोग्राम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। और आप भी अपना मोमेंटम बना के रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मोमेंटम बना के रखें, अपनी डायरेक्शन से दूर ना हो। मैं हालांकि अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं कल कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो मैं बच्चों से कह रहा था कि अगर हम इन डॉट्स को गिनें तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट है, एक बड़े कॉलेज से आप केवल एक डॉट पीछे हैं, दिस इज क्लास ट्वेल्थ, जहां केवल सिंगल डॉट, एक जरा सा जंप और हम एक बड़े कॉलेज के अंदर। मैं IIT भुवनेश्वर के बारे में पढ़ रहा था उड़ीसा में, जो IIT भुवनेश्वर है, तो यू बिलीव दिस कि मैं सरप्राइज हुआ इस बात पे कि वेल कंस्ट्रक्टेड, पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड IIT है और अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 900 एकड़ में बसा हुआ है। IIT दिल्ली से डबल बड़ा। मैं एक बच्चे से जब बता रहा था अपनी जूम क्लास में तो बच्चे ने कहा कि साहब IIT दिल्ली सबसे छोटा IIT है। मैंने कहा अनडाउटेडली सबसे छोटा है, लेकिन अगर गाजियाबाद के सारे पब्लिक स्कूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, सारे पब्लिक स्कूल जितने भी हैं, DPSG, छबिलदास, सिल्वर लाइन, जब सबको इकट्ठा कर दें, होली चाइल्ड सबको इकट्ठा कर दें, तो IIT दिल्ली के कोने में खड़े हो जाएंगे। और IIT दिल्ली से दो गुना बड़ा है, पहाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ, कौन? IIT भुवनेश्वर। आप कहेंगे सर हम तो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे आपसे। मैंने कहा, आप कब कहा आपसे कि मैं IIT की बात कर रहा हूं? मैं तो एक बार आपको बता रहा हूं कि आप अपनी अपने
पाथ पे चलिए, टारगेट पे चलिए, अपने रास्ते को फॉलो करते रहिए बस, धीरे धीरे धीरे, उससे मत अड़िग होइए। ये तो बड़ा कॉलेज अपने आप बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे 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 आप उस तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपके ज़्यादा आप बोर ना करें आपको, है केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में आज आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद हो कि जो फॉर्मूले लागू होते हैं, एक फॉर्मूला तो लागू होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, और एक दूसरा फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले लागू होते हैं, दैट इज टी हाफ इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। आप चाहें तो इन दोनों को क्लब करके भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज टी इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.3010 लॉग ए नॉट बाई ए टी। इन दोनों फॉर्मूले को क्लब करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, बस तीसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स पे आपके साथ में काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, किसी ने कोई अपनी फरमाइश तो नहीं लिखी है, अगर कोई फरमाइश लिखेंगे तो उसे भी जरूर पूरा करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, वैसे तो मैं खुद ही लूँगा यहाँ पे उन क्वेश्चंस को, फिर भी आती है तो आप यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। सो दोस्तों बात चली हमारे पास में न्यूमेरिकल्स, चले हम तो टाइप वन, पहला न्यूमेरिकल की टाइप है हमारे पास टाइप वन, जहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात है, बहुत आसान था। उसने कहा अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, फाइंड रेट कॉन्स्टेंट एंड टी हाफ ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल पे। क्यों कराया हमने टाइप वन क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो जहां से उसने पकड़ा फर्स्ट ऑर्डर, आपने वहां से फर्स्ट ऑर्डर पकड़ दिया, जहां से उसने पकड़ा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपने फौरन से क्या किया 20% कंप्लीट। तो 20% कंप्लीटेड का मतलब होता है कि हम ए नॉट लें 100 और 20% कंप्लीट हुआ तो 80 हुआ, 100 माइनस 20 80, इसलिए लिया था 20% कंप्लीटेड मतलब 80 जो आएगा वो 180 आएगा। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T। कितना टाइम लगा इस 20% कंप्लीटेड के लिए, 10 मिनट लगा, 10 लगा दीजिए लॉग ए नॉट हाउ मच 100 अपॉन 80। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा लॉग 10 आपको मालूम होना चाहिए 1 होता है, लॉग 8 आपको मालूम होना चाहिए लॉग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, दैट इज 3 लॉग 2, दैट इज 3 इंटू 0.3010। इससे आपका k निकल जाएगा और k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, इससे आपका टी हाफ आ जाएगा।
दो खास बातें यहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, दो खास बातें। एक, यहां पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप देखिए, तो आप फौरन से उस फॉर्मूले को जरूर लिखें जिस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन में हम काम करते हैं तो फॉर्मूले के अपने नंबर आते हैं। यहां हमने लिखा था, उसको ब्लॉक में बंद कर दें। तो जब आप बोर्ड में काम करें, चाहे वो एक नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो दो नंबर का क्वेश्चन है, कैसे भी है, लेकिन फॉर्मूले को ब्लॉक में बंद करना ना भूलें। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर कुछ इस तरह से बन जाए, सेम क्वेश्चन, इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट रिमेन 20% आफ्टर 10 मिनट्स, फाइंड रेट कॉन्स्टेंट एंड टी हाफ। अब अगर वो जो आपसे बात कर रहा है तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या खास बात है। रिएक्टेंट रिमेन्स 20%, इसका मतलब है ए नॉट अगर मैं 100 लू तो बचा कितना, 80 जो होता है वो बचा हुआ अमाउंट होता है, कितना बचा, तो इट्स रिमेन 20%, वो 20 आ जाएगा। वहां पे 20% रिएक्टेड था तो बचा हुआ 80 था, बस इसीलिए ये टाइप वन आपके साथ में लिया था। अगेन वही फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को ब्लॉक में बंद करना नहीं भूलेंगे, वैल्यू लगा देंगे, के निकाल देंगे और फिर दूसरे पार्ट में इसमें टी हाफ निकालेंगे, फिर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, उसे ब्लॉक में बंद करेंगे और तब टी हाफ निकाल देंगे। दिस वाज द टाइप वन, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। टाइप टू की तरफ चलते, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप टू। उसने कहा आपसे अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए पहले ही क्या क्या चल रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट 75% completed, in 50 minutes, time, time required for 99.9% completion, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर में एक, हालांकि ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव में लगता है मेनली, आपको याद होना चाहिए कि अगर 100 था तो पहली टी हाफ में वो 50 रह जाएगा और अगली टी हाफ में वो 25 रह जाएगा। आपने कहा वो तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल नहीं है। जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसमें टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं करती, ए नॉट की पावर 0 होती है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, ए नॉट की इंडिपेंडेंट। तो जब
इनोट 100 था तो जो टी आप थी वही टी आप है जब इनोट 50 है, सेम टी आप। अगर ये कोई और ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो ये दोनों टी आप सेम नहीं होती, फिर ये अलग अलग होती है अपने आप में। तो टी आप 50 से 25 रहेगी उस टी आप में। तो यहां से यहां तक कितने परसेंट कंप्लीटेड हो गया, परसेंट कंप्लीटेड, आपने कहा 75% कंप्लीट हो गया, यस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एक डेटा निकल के आ गया कि जो टी 75% होता है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। देखिए दो, आप मैं इसे आगे बढ़ा दूं, अगली टी हाफ में कितना रह जाएगा, तो 25 का आधा 12.5 रह जाएगा। और यहां से यहां तक मैं देखूं कितना कंप्लीट हो गया, दिस इज 87.5% कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास एक और डेटा निकल के आ गया कि दिस इज टी 87.5% इक्वल टू 3 इंटू टी 50%। ये केवल और केवल याद रखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो आप इस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं डेटा, और आगे चल सकते हैं। और एक आपको आ सकता है कि टी 99.9% जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू टी 50% के आसपास होता है। लेकिन ये मेनली ऑब्जेक्टिव पे लागू होते हैं, वहाँ तो आप सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं उस वाले को। अगर आप चाहें तो मैं सब्जेक्टिव में करके दिखाऊँ उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आसान, जैसे आपके स्कूल में कैसे करेंगे, आप बोर्ड में कैसे करेंगे। उसने कहा, दो डेटा दिए थे उसने कि टी 75% इज 50 मिनट्स, और वो आपसे टी 99.9% पूछ रहा था। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा था, जो आपको अगर बोर्ड में करना पड़े, प्री बोर्ड में करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो हमने पहले एक डेटा बनाया टी 75% का, डेटा वन फॉर्मूले को हमने लिखा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई 8। ये फॉर्मूला लिखा, डेटा वन हमने इस पे लगा दिया, तो k इक्वल टू 2.303 बट इज टी कितना मिनट लगा, जैसे 50 लॉग ए नॉट 100, 75% कंप्लीट हुआ तो 80 आया 25। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने डेटा टू बनाया, वो उसने कहा 99.9% कंप्लीशन, तो हमने कहा ए नॉट ले लिया हमने 100 और 80 हो गया 100 माइनस 99.9 और हमने वैल्यू रख दी। अब की बार टी हमें निकालना है, लॉग 1000 आप जानते हैं 3 होता है, इन दोनों के को बराबर रख दीजिए। ये पहला वाला तो आया था हमारे पास में लॉग 4.6020 होता है, इन दोनों को बराबर दिया, के दोनों बराबर रहेंगे, तो जैसे 2.303 अपॉन टी इंटू 3 इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 इंटू 0.6020। यहाँ से आप टी टाइम में मिनट्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि टाइम उसने मिनट्स में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है, जो भी दे रखा हो वो टाइम आप उसमें डाल दीजिए। दिस वाज द टाइप टू। मैं उम्मीद करता हूं पहली दो टाइप आपको समझ में आई होंगी, तीसरी टाइप की तरफ जाकर टाइप थ्री, जो रेडियो एक्टिविटी होती है दिस द काइनेटिक्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है रेडियो एक्टिविटी। मैं जानता हूं आप रेडियो एक्टिविटी जानते हैं क्या मतलब होता है, तो हमारा यहां पे क्वेश्चन ये नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है या अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं या फिर एक्टिविटी पे कैसे काम करते हैं। हमारा यहां पे क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी के बेस पे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो बिल्कुल सेम वही तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे एक उसमें टॉपिक होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, एज ऑफ फॉसिल्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डेटिंग। किसी फॉसिल की एज हम कार्बन डेटिंग के बेस पे निकालते हैं। फॉसिल किसे कहते हैं, व्हाट इज फॉसिल। वैसे तो फॉसिल में और भी डेफिनेशंस होती हैं, फॉसिल में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे हम ये वाली चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ये माने कि एनी प्लांट और एनिमल डिकेड पार्ट, पुराना कोई दुरा कोई मरे हुए एनिमल का है, प्लांट का दबा हुआ कोई पार्ट है, कहीं पड़ा हुआ है डायनासोर की कोई हड्डी पड़ी हुई है, कहीं कोई ममी का कोई लकड़ी का पैक है, कहीं कोई चीज है, हम उसकी एज निकालना चाह रहे हैं। ये दुनिया इसी बेस पे पड़ जाती है कार्बन डेटिंग के बेस पे। तो पहले हम ये समझना चाहें कि कार्बन डेटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कार्बन डेटिंग। हालांकि ये हमारे यहाँ पे उसको नहीं मैच करता है, लेकिन जब तक हमें उसका प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा तब तक हम कार्बन डेट उसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा दोस्तों कि क्या मैं कुछ तेज बढ़ा रहा हूं या आप लोग कंफर्टेबल हैं इस पे। जिनको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं वो थंब भेज सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा तेज चल रहा है मित्र सर, आप अपनी स्पीड को स्लो करें, तो वो SLOW स्लो लिख सकते हैं, आई विल बट स्लो द स्पीड। जी सर जी, यस पोखरियाल साहब ने कहा कि दिस इट इज कंफर्टेबल। जी आप यू मस्ट बी वेरी, मतलब आप बहुत क्लियर होने चाहिए अपनी बात को। जब तक आप अपनी एक टीचर एक मदर की तरह होता है, जब तक आप अपनी बात को ना बता पाए तब तक बात नहीं चलेगी। सब तक ज़्यादातर लोगों ने कंफर्टेबल लिखा है, मुझे मालूम था ये छोटे टॉपिक्स होते हैं, इन सब में आप कंफर्टेबल रहते हैं। जी ओके बढ़िया जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल, ऑल राइट ठीक है कंफर्टेबल। जी साहब सर कंफर्टेबल सब ने लिखा है, खुशी अग्रवाल सब ने कंफर्टेबल, अग्निहोत्री साहब ने भी कंफर्टेबल, RC अली ने भी कंफर्टेबल, विकाल यादव जी भी कंफर्टेबल, हिमांशु यादव भी कंफर्टेबल। चलिए ठीक है, इसी उसको आगे बढ़ाते हैं। जी साहब अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती हो तो आप बता सकते हैं मुझे। जी तो कार्बन डेटिंग का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से देखिए कि जो कार्बन है, कार्बन के दो मेन एलोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव होता है, इट इज ए बीटा एमिटर, एक बीटा एमिटर है, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालता रहता है। बीटा नेगेटिव बीटा, मतलब बीटा मतलब बीटा नेगेटिव भी होता है, बीटा पॉजिटिव कोई कहे तो पॉजिट्रॉन कह देता है वो उसे, तो बीटा पार्टिकल निकालता है अपने अंदर, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो टी हाफ होती है वो 5770 ईयर्स होती है। क्या मतलब है इसका बताते हैं आपको, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता है आप लोगों ने कभी उसमें, तो मैं बहुत धीरे से यहां पे इस टॉपिक को आपको बताऊं कि लेट आपके पास में 50 ग्राम कार्बन 14 है, लेट ऐसे होता नहीं वैसे कार्बन 14 50 ग्राम अलग से नहीं होता वो उसमें मिलाते, फिर भी हमने मान लिया लेट वी आर हैविंग 50 ग्राम कार्बन 14। तो क्या होगा
एक तिहाई मतलब 5,770 साल के बाद हमारे पास में 25 ग्राम कार्बन 14 रह जाएगा। ये इसका मतलब है कि बाकी कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है कि लेट हमारे पास में ये एक प्लांट मटेरियल या कोई एनिमल मटेरियल ये हमें मिला कहीं से, दिस इज ए फॉसिल, ये कोई फॉसिल हमें मिला। अब इस फॉसिल के हमने 1 ग्राम को चेक किया, इसमें से 1 ग्राम निकाला, उसको चेक किया कि इसके अंदर कितना कार्बन 14 है। तो हमने कहा मित्र सर ऐसे ढूंढ लेते हैं, 1 ग्राम निकाल के उसमें से ढूंढ लेते हैं कितना कार्बन 14 है। मेरे ख्याल से हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए, फिर भी बहुत आसान सा होता है। हमें क्या करना होता है कि एक ऐसी मशीन होती है जो बीटा पार्टिकल को नोट कर लेती है कितने भी है। तो हमने उस 1 ग्राम को निकाला, उस मशीन में डाला, तो उसमें से जो बीटा पार्टिकल निकले उन बीटा पार्टिकल ने फोटोग्राफिक प्लेट पर निशान डाला। तो हमने ये देखा कि 1 मिनट में इस 1 ग्राम मटेरियल से कितना बीटा पार्टिकल निकले, उसे हमने उसकी एक्टिविटी मान लिया कि साहब ये 12 बीटा पार्टिकल पर मिनट दे रहा है या 30 बीटा पार्टिकल पर मिनट दे रहा है। 30 काउंट पर मिनट कह देते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट कह देते हैं, या पर सेकंड भी, कोई तेज निकाला है तो पर सेकंड नाप लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बीटा हमने बीटा पार्टिकल हम सॉरी कितना कार्बन 14 है ये निकाल दिया, या कार्बन 14 के अमाउंट को उसकी एक्टिविटी के बेस पे बता दिया कि साहब इसके अंदर इतना कार्बन 14 की एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी मतलब कितने बीटा पार्टिकल पर सेकंड आ रहे। तो ये वो फॉसिल था। अब लेट इसके अंदर बीटा एक्टिविटी जो आ रही थी, अब जब आप एक्टिविटी टर्म इस्तेमाल करना सीखें तो जो एक्टिविटी आ रही थी कितने बीटा पार्टिकल, वो मान लेते हैं मान लो 12 dpm आ रही थी, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, मतलब इस सैंपल को जब हमने एक मशीन में रखा तो 12 उस पे जो फोटोग्राफिक प्लेट थी 12 उस पे डॉट बने 1 मिनट के अंदर, 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट इस फॉसिल में आ रहा। इट्स ओके। अब हमें देखना है कि फॉसिल कब उसका पार्ट था, किसका, जब कभी ये जीवित रहा होगा, मान लो ये प्लांट है तो कभी जब ट्री रहा होगा या जो भी रहा होगा, वो कौन कितने साल पहले ये ट्री रहा होगा, कब ये मरा, कितने साल पहले ये जीवित था, हमें ये मालूम करना है। तो इसको मरे हुए कितने साल हो गए, या ये एनिमल का पार्ट है तो कितने साल पहले ये जीवित था, हमें ये देखना है। अब जब ये लिविंग था, व्हेन इट वाज लिविंग, तो इसके 1 ग्राम से कितने बीटा एक्टिविटी आ रही थी उसको हमने इससे कंपेयर करा। आप देखा मित्र सर ये तो समझ गए कि कंपेयर करा दिया, एज निकल गई, लेकिन क्या ये मरने से पहले लिख के आता रजिस्टर में कि साहब देखो मेरी बीटा एक्टिविटी इतनी है, आप जब क्या करें, जब भी आप कभी मेरी एज निकालें तो मेरी बीटा एक्टिविटी ये लिखी हुई है, इसे कंपेयर कर लेना। अब भाई ये तो हमें नहीं मालूम कि उसकी बीटा एक्टिविटी क्या है। जिन लोगों को मेरे इस जोक पे हंसी आई है जरा हंस के दिखाइए। पोखरियाल साहब को हंसी आई है। जी साहब, रोहन त्यागी साहब, देवांशी गुप्ता, यासिका सक्सेना। चलिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप जोक पकड़ गए थे तो समझ रहे हैं इसका मतलब। आप, मैं ये देखना चाह रहा था कि आप समझ रहे हैं, नहीं बात को समझे। तो अब हमें दिक्कत आई कि साहब वो मरने से पहले तो नहीं लिख के गया होगा। तो एक्चुअली ये जो टाइप है, ये जो फॉसिल है, ये इसकी टाइप क्या है। अगर ये किसी इंसान का पार्ट है तो हमने उस जब समय पे जो इंसान है, जैसे मान लो आज हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आज 2021 में, तो आज इंसान के 1 ग्राम में कितने बीटा एक्टिविटी है उससे कंपेयर किया। मान लो ये डायनासोर था, डायनासोर की बोन थी, तो हमने क्या किया, अब डायनासोर तो लिविंग नहीं है, डायनासोर रेप्टाइल्स होते हैं, और रेप्टाइल्स
इस समय लिविंग में आपको मिल जाएगी छिपकली, मिल जाएगी लिजार्ड। तो हमने लिजार्ड के वन ग्राम में इस समय कितनी बीटा एक्टिविटी आ रही है, हमने उससे कंपेयर किया इसको। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं फिर बता दूं, ये हमारे पास एक फॉसिल था, इट वाज ए फॉसिल, इसकी बीटा वन ग्राम की बीटा एक्टिविटी हमने वन ग्राम इसमें से लिया, मान लो 12 डीपीएम आ रही थी। इसी टाइप के फॉसिल, इसी टाइप का जो लिविंग है, उसी टाइप का लिविंग, सेम टाइप लिविंग, उसके वन ग्राम में लेट बीटा एक्टिविटी मान लो 15 डीपीएम आ रही है। तो हमने बता दिया कि ये इस फॉसिल को मरे हुए कितने साल हुए, कैसे लगाया हमने, हमारे पास फॉर्मूला है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, और के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, दोनों को आपने क्लब किया, टी इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.3010 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। टी हमें निकालना है, टी हाफ हमें मालूम है 5770 दे रखी होगी उसने वहां पे, 0.3010 लॉग व्हाट इज ए नॉट, इनिशियली जो थी रही होगी उसमें, जो हमने उसी टाइप के एनिमल में देखा है, तो इनिशियली वो जो ए नॉट है वो थी 15, ए टी कितनी 12, इससे हमने उसकी एज निकाल दी इतने इयर्स। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जिसमें मान लो उसने क्वेश्चन दिया, द बीटा एक्टिविटी या C14 एक्टिविटी ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड इज सेवेंटी% ऑफ बीटा एक्टिविटी ऑफ सेम काइंड ऑफ लिविंग फाइंड एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइन, टी हाफ दे रखी है, मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को आप खटाक से कर देंगे, सेम क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके लिए, C14 एक्टिविटी ऑफ ए वुडन केस ऑफ ए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इज 24 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट इफ C14 एक्टिविटी ऑफ ए फ्रेशली कट वुड ऑफ सेम काइंड इज 36 डीपी फाइंड एज ऑफ वुडन केस टी हाफ ऑफ कार्बन 14। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन लिखते समय आपको सॉल्व हो गया होगा, आपने फॉर्मूला लगा देना है टी इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.3010। बोर्ड में इसे लगाते समय पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखें, ये बना
इन दोनों से इसको बनाएं। टी आप हमें मालूम, ए नोट कितना हमारे पास में, कितनी है 36, ये कितना 24, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, अभी मैंने देखा था कि वो जेई में भी आया था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो दिखाते हैं आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत फेमस, एक बार आईटी में भी आया हुआ है, उसके बाद एनसीईआरटी में आ गया है क्वेश्चन, और अभी जेई में मैंने देखा था सेम क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ है। इज द पार्ट वन आपकी एनसीईआरटी खुद की आपकी जो है उसमें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। लड्डू, दिस इज एनसीईआरटी 4.17, जेई में अभी जो एनटीए एग्जामिनेशन कराता है उसमें भी मैंने अभी देखा था क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा आपसे ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्शियम 90, ओके, विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 years, इफ 1 microgram ऑफ स्ट्रॉन्शियम 90 बाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, How much of it will remain after 10 years? After 60 years, if it is not lost metabolically. पहले क्वेश्चन का हमें मतलब समझ में आए, क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले तो वो समझ में आए, तब जाके पास में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक्चुअली दोस्तों मेरा एक छोटा सा फंडा है शुरू से कि, और इस फंडे को मजबूत किया बाद में, आपने शायद एक पिक्चर देखा होगा तारे जमीन पर पिक्चर थी, तो उस फंडे को उससे अंडरलाइन कर दिया है, तो उन्होंने वहां दिखाया कि एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन को और बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है, और जब वो समझ नहीं पा रहा है तो लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया ऐसे शो करता है जैसे वो बहुत कुछ समझ रहा हो, उसे मालूम है कि सब हंसेंगे, अब उसकी तरफ कुछ भी होगा तो वो जानता है कि अब मेरी बारी, तो वो और भी समझना बंद कर देता है, फिर वो और भी नालायक से नालायक काम करना शुरू कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पिक्चर से और आप में बहुत लंबा डिफरेंस है, आपको अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो वहाँ भी आपको एक सीन याद आता होगा कि
कहीं पे दुर्योधन को इंसल्ट किया गया और वो जो इंसल्ट उसके दिमाग में बैठी और वो उसने सब बिखेर के रख दिया टोटल। तो दो बातें दोस्तों, एक अपना रिमोट सामने वाले के हाथ में क्यों दे भाई, अगर मित्तल सर पढ़ा रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आया है, यही चीजें थोड़ी खत्म हो जाती है। आपने कहा इसका मतलब हम दूसरे सर पे पढ़ें, आप खुद से पढ़े। मैं छोटे बच्चे नहीं पढ़ाता। अभी कुछ दिन पहले मैं एक उसमें सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मैं बच्चों से ही कह रहा था इस बात को कि जो चीज आप पे नहीं आती, एक बार एक घंटे उसे आप लिखें दूसरों के लिए। आपने कहा था जब मुझ पे आती ही नहीं तो मैं दूसरों के लिए क्या लिखूंगा, वही तो मैं कहता हूं। आप 11 12th में, आपकी जो हिस्ट्री है वो आज स्टार्ट नहीं हुई, 11 डॉट पहले से बने हुए हैं सब। ऐसे जने कितने चैप्टर्स हैं, ऐसे जने कितने क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने पीछे से एग्जाम्पल देख देख के अपने आप सॉल्व किया है। तो उस टॉपिक को आप पढ़ के उसकी सिंपल लैंग्वेज बनाइए, आप लिखिए किसी कॉपी पे। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अपना रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों, अपने हाथ में रखिए यार। और नंबर टू, कभी भी ये मत सोचिए कि इसने मुझे इंसल्ट किया है। नो, अगर कोई किसी को इंसल्ट करता है तो सबसे बड़ी इंसल्ट उस बंदे की होती है, खुद की। वो उसे समझ नहीं पाया। जैसे वो तारे जमीन पर वो बंदा था ना, वो अपने टीचर से कुछ कह रहा है और टीचर ये महसूस करे कि उसने मुझे इंसल्ट किया है, तो हकीकत में टीचर ने को उसने इंसल्ट नहीं किया, टीचर उस बच्चे को नहीं समझ पाया था। दो लोगों की आपस सोच अलग अलग हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे हो, आपने हमारी एज का डिफरेंस है। तो किसी और के हाथ में रिमोट मत दीजिए, खुद के हाथ में रखिए और अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह से रखिए, खुद से सोचिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में पहले आपकी अपनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या कह रहा है भाई, रुक जा, थम। जरूरी नहीं है कि हर एक की स्पीड एक सी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब स्पीड कम होगी हम पीछे रह जाएंगे। नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे कजिन हैं, हमारे बाबा के भाई के बेटे, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर क्या बुलंदशहर में ही रहते हैं। तो हमारी दादी की जब डेथ हुई तो हम दोनों की आपस में मुलाकात हुई, तो हम बराबर बराबर चेयर पर बैठे हुए थे। तो उन्हें मालूम था मुझसे बड़े हैं, उन्हें मालूम था कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसी बात हो रही। तो अपने बेटे के बारे में बताने लगे कि भाई हम बुलंदशहर में मैं भी रहा हूँ, तो हम जहाँ रहते हैं तो वो जगह जो है वो एक ढलान है, सड़क जो है स्लोप पर है। तो कह रहे यार वो 12वीं में आ गया लेकिन उस पर साइकिल नहीं सीखी गई। मैं और तेरी भाभी रोज सुबह को, थोड़ा बड़ा हो गया तो हम सुबह ही सुबह 5 बजे दोनों उसको लेके सुबह को साइकिल पे उसे चलाते वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग झांक के देखते कि आज ड्रामा होगा, वो कई बार बेचारा गिर जाता, ये होता, साइकिल नहीं चले। दोस्तों उसने बुलंदशहर में रहती हुई पहले अटेम्प्ट 1 में IIT क्लियर किया उस बच्ची ने। और वो कह रहे थे कि जब मैं उससे US में गया, मुझे बता रहे थे कि भाई मैं जब उससे US में मिलने गया तो निकम्मा खुली हुई गाड़ी लेके आया था और 150 किलोमीटर से ऊपर स्पीड पे चला रहा था मुझे बैठा के। मैं उससे कह रहा था कि निकम्मे इतनी स्पीड से कि सर पापा मैं उस लाइन में हूँ जिस लाइन में 150 किलोमीटर की स्पीड चलती है और केवल इसीलिए मैं इस इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ कि आप लोग ये कॉन्फिडेंस रखें कि मैं चला सकता हूँ। तो दोस्तों जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के हंसने पे थोड़ी जीवन चलता है। जिनको लगता है कि यस मैंने आपके अंतर्मन को छुआ है,
एक बार थम को भेजिए, फिर आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जिनको लगता है कि यस एक दिन आएगा मित्र सर जब हम रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, जी साहब पोखरियाल साहब का सबसे पहले थंबाता है। जी साहब पार्थ शर्मा जी मेरी शुभकामनाएं, यासिका मेरी शुभकामनाएं, आंसू यादव, ईशान गोयल सबके नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है पर यकीनन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। किसी के प्रतिक्रिया पे मत काम करिए, खुद से बात करिए, खुद को सोचिए, खुद को शार्पन कीजिए, शार्पन योर। मेरा स्टेटस मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला था, मुझे किसी सज्जन ने भेजा था, मैंने उस पर डाला था कि एक मछली कभी जंगल में नहीं दौड़ सकती और एक जंगल का राजा कभी पानी के अंदर राजा नहीं बन सकता। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, कोई कहीं तेज है, कोई कहीं तेज है। अगर मैं ही फिजिक्स पढ़ाने लगूँ तो एक नो डाउट दुनिया हंसेगी, और एक फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ाने लगे तो दुनिया हंसेगी। दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, तो कभी किसी से मत तोलिए अपने आप को, जस्ट अपनी एबिलिटी के बेस पे काम करिए। आप पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं यार, अगर गोल्ड आयरन की तरह बिहेव करने लगे और आयरन गोल्ड की तरह बिहेव करने लगे, सारा मामला खराब हो जाएगा। दोनों की अपनी अपनी पावर है, आयरन की अपनी पावर है, गोल्ड की अपनी पावर है। आयरन जो काम कर सकता है गोल्ड नहीं कर सकता, गोल्ड जो काम कर सकता है आयरन नहीं कर सकता। विच इज बेटर, ये सोचने वाले की बावलापन है कि वो देख रहा है इन दोनों में कौन बेटर है। वो दोनों अपनी अपनी जगह के सहनसाह हैं साहब, दोनों की अपनी अपनी बात है। शिवांश तोमर साहब ने लिखा है अभी आपके अंदर उतनी ही एनर्जी एंड एंथुसियाज्म है। जी साहब गॉट 84 आउट ऑफ 120 इन केमिस्ट्री इन जेई मेन 2016। जी तोमर साहब मेरी शुभकामनाएं, कुड नॉट फाइंड एनी टीचर इवन क्लोज टू योर लेवल इन माय कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तोमर साहब आप मेरी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कुछ कहते हैं। नहीं मैं तो एक बच्चा हूँ, अपने धीरे धीरे सीख रहा हूँ दुनिया को, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वक्त तुम्हें बहुत बहुत कामयाब करें अगर आप ऐसा जरा भी सोचते हैं। और बहुत इतने बड़े बड़े लोगों को आप मिलेंगे, मैं तो अपने जीवन में इतने बड़े टीचर से मिला कि मैं उनके सामने अपने आप को बहुत छोटा फील करता हूं, और शायद मैं अपने फादर का भी अगर 1% बन जाऊं तो शायद मैं बहुत बढ़िया हो जाऊंगा। पर फिर भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, यकीनन आप जैसे लोग ही हम लोगों को प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने कहा कि साहब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ओके, उसमें एक प्रोडक्ट बना स्ट्रॉन्शियम 90, ओके, जिसकी टी हाफ दे रखी 28.1 ईयर, मान गए 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम 90 वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी। ये एक छोटा बच्चा था, ये एक न्यूली बॉर्न बेबी, और इस बेचारे का दुर्भाग्य कि उसमें कैल्शियम की जगह पे स्ट्रॉन्शियम 90 चला गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने कहा कि मेटाबॉलिकली लॉस नहीं हुआ, मतलब हमारी बॉडी ने खुद उसे बाहर नहीं निकाला, अब ये स्ट्रॉन्शियम 90 अपने आप रेडियो एक्टिविटी करता करता खत्म होगा। तो उन्होंने कहा ये 1 माइक्रोग्राम था, अब ये कितना बचेगा, कब, 10 साल के बाद में, कितना बचेगा 60 साल के बाद। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन को हम देखें तो बहुत आसान है। क्या हमें क्या कह रहा है वो आपसे, टी हाफ आपको दे रखी है 28.1 ईयर, मैंने और ऊपर देखा नहीं है, शायद यही दे रखी है। ए नॉट 1 माइक्रोग्राम है। अब अगर हम यहां पे क्या करते हैं, 1 माइक्रोग्राम 10^-6 ग्राम ये ले लेते हैं तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब हमें लॉग ये लेना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इनिशियली अगर हम इसे 1 लेते हैं, इनिशियली 1 लें और 80 जो निकालेंगे वो एक्स, और हमारा जब आंसर आएगा तो हम एक्स के साथ में माइक्रोग्राम लगा देंगे बस।
इतनी सी बात रहेगी। तो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे लॉग के अंदर 10^-6 को नहीं रखेंगे। अब वैसे भी हमें अगर हम रख भी लेंगे तो भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो देखिए देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। तो पहले टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इससे हमने टी हाफ निकाली, वो टी हाफ तो दे रखी है आपको, जिससे हमने के निकाला। और एक फॉर्मूला था के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। इन दोनों फॉर्मूले को जब हमने क्लब किया तो टी इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.3010 लॉग ए नॉट बाई ए टी आ गया। 10 साल की बात पूछ रहा है टेन, टी हाफ दे रखी 28.1.3010 लॉग ए नॉट वन ए टी हमें निकालना है। दोस्तों इसको एक्स मान लीजिए पूरे, तो लॉग एक्स इक्वल टू आ गया 3. इसे मल्टीप्लाई करके 010 अपॉन 28.1, इससे आप एक्स निकाल देंगे एंटी लॉग लेके, लॉग के लिए भी जरूरत पड़ेगी। और बाद में 1/80 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इससे आपका 80 आ जाएगा माइक्रोग्राम। आपने देखा कि हमने इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई। अगर मैं यहाँ पे 10^-6 रख देता तो इस 80 को निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने इस पूरे को, जब भी आपको एंटी लॉग पे काम करना पड़े तो इस पूरे को आप एक्स मान लें और पहले लॉग एक्स में एक्स निकाल के फिर सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कहीं कोई वजन नहीं बचा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बड़ा फेमस टॉपिक होता है इसके अंदर, उस टॉपिक पे जाते हैं। दिस इज गैसियस रिएक्शंस पे कैसे काम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनसीईआरटी में चार क्वेश्चन हैं, 1 सॉल्ट, 3 अनसॉल्ट। आईआईटी एडवांस में कम से कम 5 बार आ चुका है, जेई तो ऑलमोस्ट हर साल आता है, नीट ऑलमोस्ट हर साल। बहुत आसान सी बात होती है, हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। इन्हें क्लोज फ्लास्क एट 300 के फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेंड। फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, डेटा दे रखा है आपको। ऐसे कुछ डेटा दे रखा है, इस सेकेंड डेटा की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल्ड होता है वैसे, इतने से बात बन जाती है। और आपसे कह रहा है कि आप निकाल दीजिए रेट कॉन्स्टेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत आसान। क्या कहना चाह रहे हैं, जो डेटा दे रखा है पहले उस पर निगाह डालें।
उसने टाइम दिया है सेकंड में और टोटल प्रेशर दिया है। ये टोटल प्रेशर बताता है कि ये गैसियस रिएक्शन में कैसे काम करते हैं। तो जीरो पे उसने 800 mmHg दे रखा है और 100 सेकंड के बाद में उसने 1000 mmHg दे रखा है। दोस्तों ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर, उसने मुंह से कह दिया था। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन टी, व्हाट इज टी, दिस इज 100 लॉग, हमें ए का प्रेशर चाहिए, पी नॉट ए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टी ए, हमें ए का ही प्रेशर चाहिए टी टाइम। और ये जो प्रेशर दे रखा है उन्होंने टोटल प्रेशर दिया है, तो शुरुआत में ध्यान से एक ही क्वेश्चन सीखे लेकिन मन से सीखे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, आप अपने आप कर पाएंगे। शुरुआत में टी इक्वल टू जीरो पर मुझे बता सकते हैं कि ए गैस, बी गैस, सी गैस, इन तीनों में से कौन कौन सी गैस मौजूद थी, कोई भी सोच सकता है, कोई भी इस बात को सोच सकता है। तो आप कह सकते हैं साहब केवल केवल ए मौजूद थी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 800 है ये इनिशियल प्रेशर ऑफ ए है। तो ये तो हमारे पास आ गया, अब ये चाहिए आगे बढ़ते, बहुत आसान। अब ए गैस, बी गैस, ये शुरुआत में 800 था, ये जीरो, ये जीरो, टी टाइम के बाद टी दे रखा उसने 100, मान लो इसका पी खर्च हो गया, भाई ये खर्च होगा तभी तो ये बनेंगे, तो ए से बनेगा बी, तो एक ए से एक बी बनता है, तो एक पी से एक पी बनेगा, ए से बना सी, एक ए से एक सी बनता है, तो एक पी से एक पी बनेगा, तो पी टोटल कितना हुआ, दैट इज प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, बहुत स्लो स्पीड से, बिल्कुल जीरो स्पीड से, प्रेशर ऑफ ए उस समय कितना है, दिस इज 800 माइनस पी, प्रेशर ऑफ बी कितना है पी, प्रेशर ऑफ सी कितना है पी, तो दिस इज 800 प्लस पी, और पी टोटल उस समय कितना है दोस्तों, ये रहा 100 सेकंड के आस पे, तो दिस इज 1000, तो इससे पी आ गया आपका 200। एक्साइटेड मत होइए, यहीं से बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, हमें ये चाहिए। ये आपको यहां लगा, इतना सा क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं सेम टाइप में, आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर द गैसियस रिएक्शन, सेम टाइप, बिल्कुल सेम टाइप, ए गैस, टू ए गैस गिव्स बी गैस प्लस टू सी गैस फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। एट 300 केल्विन इन ए क्लोज फ्लास्क द फॉलोइंग रेट डेटा वाज ऑब्टेंड।
फाइन टी ऑफ ऑपरेशन, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे वो हुआ था, बस बाद में टी ऑफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आपके साथ में सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, सेम बात। शुरू हमें पहले मालूम होना चाहिए हमें क्या चाहिए। 2.303 टी हमारे पास दे रखा है, दिस इज 100 सेकेंड लॉग। हमें चाहिए प्रेशर ऑफ ए इनिशियल अपॉन प्रेशर ऑफ ए टी टाइम, हमें चाहिए। यहां दे रखा है टोटल प्रेशर, तो शुरुआत में, शुरुआत में मतलब जब t इक्वल टू जीरो था, क्या था उस समय? आपने कहा केवल a था, तो व्हाट इज प्रेशर ऑफ a, दैट इज टोटल प्रेशर उस समय जो था वही प्रेशर ऑफ इनिशियल a हो गया। ये तो आ गया हमारे पास में। अब हमें चाहिए t टाइम पे हमने रिएक्शन को लिखा, ये रिएक्शन थी, एक बार चेक कर लेता हूं। यस, 2a गैस गिव्स b गैस प्लस 2c गैस, हमने रिएक्शन को लिखा। शुरुआत में ये कितना था सब 1200 ये जीरो 1200 माइनस, यहां दो कोफिशिएंट है तो 2b ले लिया मैंने, दो से बना एक तो 2p से बनेगा p, दो से बने दो तो 2p से बनेगा 2p। व्हाट इज द टोटल प्रेशर हेयर? दिस इज प्रेशर ऑफ a, प्रेशर ऑफ b, प्रेशर ऑफ c। व्हाट इज प्रेशर ऑफ a? दिस इज 1200 माइनस 2p। व्हाट इज प्रेशर ऑफ b? दिस इज p। व्हाट इज प्रेशर ऑफ c? दिस इज 2p। ये कैंसिल हो गया, 1200 प्लस p। What is the P total at 100 mm जी? उसने कहा 1500, ये दे रखा था आपने देखा था, तो यहां से P आ गया आपके पास में 300। एक्साइटेड नहीं होइए, हमें ये चाहिए P, वो है तो 600। ये आपको यहां लाना है और फिर उससे K निकाल देना है, और वैसे तो T हाफ आ ही गई अपने आप पे, फिर भी 0.693 अपॉन T हाफ से टी हाफ निकाल, वैसे टी हाफ आ गई अपने आप ही 100 सेकंड, क्योंकि आधा हो गया 1200 से 600 हो गया, तो ये टी हाफ हो गई 100 सेकंड, टी हाफ निकाल देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को ये गैसीय स्टेट के क्वेश्चंस को अब वो कर सकते हैं, जिनको लगता है गैसीय स्टेट के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हम चारों क्वेश्चन ठोक देंगे, उन्हें वो लोग मुस्कुराहट भेजें, जरा हंस के दिखाएं, फिर अगले टर्न पे आपसे मुलाकात करेंगे। हंस के दिखाइए एक बार जोर से जी, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जो हंस के काम करता है वो विजयी होता है। हंस वो सकता है दुनिया में जो डिसिप्लिन में होता है, जो अपने काम को परफेक्ट करता है। जी साहब, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसी चाहिए, थम नहीं चाहिए, हंसी चाहिए आपकी। हंस के दिखाइए, थम नहीं। यस रोहन त्यागी, गुड बॉय। मुस्कान गुप्ता, गुड जी साहब गुड। एक्समैन शाबाश। दिव्या अग्रवाल, हंसी चाहिए, हंसी, हंस के दिखाइए। ईशान गोयल, चलिए साहब धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगले टर्न पे फिर मुलाकात करेंगे।